चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। द्वारका विधानसभा क्षेत्र स्थित नसीरपुर सब्जी मंडी में आयोजित जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुसलमानों को किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार जिस तरह नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आई है वह नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। द्वारका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत के समर्थन में आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन कानून पर खूब बातें कही, साथ ही आम आदमी पार्टी को भी अपने निशाने पर रखा। राजनाथ सिंह ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अन्ना हजारे ने आंदोलन के समय कहा था कि आंदोलन में शामिल लोग सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा कर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। उस समय अन्ना हजारे बराबर इनको मना करते रहे कि तुम राजनीतिक पार्टी मत बनाओ, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सारे देश भर में हमने आंदोलन चलाया था, हमने देश की जनता को वचन दिया था कि हमारे साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं वह सक्रिय राजनीति में कुछ समय तक भाग नहीं लेंगे। लेकिन अन्ना हजारे साहब के मना करने के बावजूद और बार बार मना करने के बावजूद इन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली, सरकार भी बन गई, क्योंकि अन्ना हजारे का दामन पकड़कर इन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। लोगों का भरोसा था, लोगों का विश्वास था कि अन्ना हजारे साहब के साथ काम करने वाला, उनके साथ आंदोलन करने वाला व्यक्ति आज हमारी दिल्ली की राजनीति में हम लोगों के सामने आया है। इसके साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिकों पर धावा बोला। राजनाथ ने मोहल्ला क्लिनिक पर दिल्ली सरकार के दावों को हास्यास्पद बताया, साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों पर बोलते हुए लोगों को कहा कि सत्ता में आने पर इन कॉलोनियों का विकास न सिर्फ बेहद तेजी से होगा और इसके साथ ही हमने अपने संकल्प पत्र में एक बोर्ड बनाने का जिक्र किया है जो समग्र रूप से इन कॉलोनियों के विकास पर लगातार काम करेगा। लेकिन जो हमारी अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनमें रहने वाले लोगों को कहना चाहता हूं, अब उसका रेगुलराइजेशन तो हो ही रहा है, रजिस्ट्री होगी ही होगी, आप मालिक तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन 1700 इन कॉलोनियों का डेवलपमेंट करने के लिए हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग अलग से इनका डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाएंगे, यह भी आपको हम भरोसा देना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ रोज का ही वक्त बाकी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी श्रृंखला में राजनाथ ने द्वारका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। माता की और इतनी बात पक्की है, यदि चुनाव जीतने के बाद प्रद्युम्न राजपूत हमको फिर से बुलाएंगे, यदि बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं की यह प्रयास आगामी चुनाव में कितना असर डालेंगे और साथ ही जनता पर इन अपीलों का कितना असर होगा यह आने वाली 11 फरवरी के नतीजे बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।